क्या किया था चोरी? और सिम लेनी है आज? आज सिम लेनी? कॉम्बो डलवाना? हर बार तू ड्रामे करता है। पोस्ट करो ना इसको फिलहाल बैन चुके सर, ताकि लोगों को पता लगे। मास्क लगाना कोरोना का टाइम। सर एक मिनट रुको, वाइट लाइन। चलो 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 चोर अभी पकड़ा गया है, इसने मेरी दुकान में दिसंबर और नवंबर के बीच में चोरी की थी, तो 20 से 25,000 रुपए की चोरी थी। किस्मत अच्छी थी, मेरा माल रिकवर हो गया। सीसीटीवी कैमरे में मैंने इसका फोटो देखा, मैंने ग्रुप में डाला, तो वहाँ पे मेरे को छैनी से एक उसी टाइम मैसेज आ गया कि बहुत बड़ा चोर है। उसने वहाँ से 200 के तकरीबन फ़ोन चोरी किए हुए हैं। उसके बाद उसने बोला बहुत बड़ा चोर है, तो मेरे पीछे शराब वाली वहाँ भी चोरी कर रहा। उस दिन इसने 3-4 दुकानों से चोरी की, मेरी वाली शॉप से, एक अड्डे की शॉप से, एक छोटू मोबाइल पॉइंट है उसकी शॉप से चोरी की। उनकी सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग आई, फिर यकीन उनको पता लगा कि मैंने सारा माल कैप्चर किया, उनको माल दे दिया। मुझे ये समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा चोर है, इसको छोड़ क्यों देती है? ऐसे बंदे को कम से कम भी मतलब पूरी रिकवरी तो मिल नहीं सकती। कहाँ माल है इसने? गोरीकुंड में रहने वाला है ये। पिछली बारी में मैंने पुलिस वालों को बोला था इसको मत छोड़ो, लेकिन 10-15 दिन के बाद छोड़ दिया था। आज इसने 1-2 महीना पहले ये आमिर जी इनकी शॉप से चोरी की है, सरदार जी हैं आदर्श मुनी के, उनकी शॉप से चोरी की है। अभी जितनी भी चोरी मोबाइल की होती है मुझे तो यही लगता है यही करता है। अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले मेरी मोबाइल से एक डब्बा डिस्प्ले हुआ था, वो भी चोरी हुआ है। मुझे भी इस पर शक है, 2 फोन पहले भी चोरी हुए थे, उनके आईमी नंबर थे, रिपेयरिंग वाले थे, वो भी मैंने कस्टमर को अपनी जेब से बनने दिए। ऐसे बंदों का इस सिटी में रहना बहुत ही खतरा है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, इस बंदे को छोड़ा नहीं जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये फ्रंट स्टेटस पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बिहाइंड मेरी शॉप है सर, यहाँ पे ये बंदा आता जाता रहता था सर। ये बहुत बार आया है, इसने दुकान पे बैठना, कस्टमर देखने दुकान पे कितने हैं, इसने दुकान पे बैठ के या बोल देना सिम लेनी है या कुछ ठीक कराना है, इसने दुकान पे किसी तरीके बैठना और कस्टमर देखने। जैसे ही कस्टमर का कोई फ़ोन शोन आए या ठीक हो के फ़ोन आए, इसके साथ में इसका झोला होता है, इसने फ़ोन उठाना, अपने झोले में डालना और फिर बैठ जाना। ये जब तक एक दुकान से 2-3 फोन चोरी ना करे ये दुकान से जाता नहीं था। इसका सिर्फ यही एक बहाना होता था दुकान पे आके कि मेरे को या सिम लेनी है या मेरे को फोन ठीक कराना है, किसी भी तरीके कोई भी ये रीजन दे देता था जिसकी वजह से इसको दुकान पे बैठना पड़े। और बैठ के ये कस्टमर वॉच करता था कि मेरे को कितने कस्टमर्स दुकान पे आ रहे हैं और कौन कौन सा फ़ोन ठीक करा रहा है, बस इसकी नज़र रहती थी। जैसे दुकानदार की आंख आगे पीछे हुई और ये फ़ोन उठा के अपने झोले में डाल देता था। आज कैसे पकड़ा गया सर? आज ये फ़ोन दुकान पे, दुकान के बाहर से निकल रहा था और इस आदर्श कॉलोनी एक शॉप है, वहाँ पे ये पूछ के आया दुकान कोई फ़ोन ठीक करने के लिए। सर उस बंदे ने इसको बोला कि 5 मिनट बैठ जाओ, इसने तब तक सोचा कि और किसी दुकान से आते हैं और ये वहाँ से निकला, और इतनी देर में उस बंदे का दिमाग खटक गया, उसने अपना फ़ोन देखा और उसने उस वीडियो में इसका फ़ोटो देखा, उसने आगे फ़ोन कर दिया कि बंदा यहाँ से निकला है, आप उसको देख लो। और यहाँ पे रास्ते में चलते हमने बंदा पकड़ा और बंदे को हमने दुकान में बिठा के हमने फ़ोन किया। इसने ऑलमोस्ट उधमपुर में ऑलमोस्ट जितनी भी शॉप्स हैं, ऑलमोस्ट फ़ोन की, मोबाइल की जितनी भी शॉप्स हैं, इसने सब में से फ़ोन कुछ ना कुछ एक्सेसरी या फ़ोन कुछ ना कुछ चोरी किया ही किया हुआ है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं बल्कि ये चनैनी सुधमा देव का ये रहने वाला है, बल्कि ये चनैनी चुननी ऑलमोस्ट इसके जितने भी एरिया सब जगह से चोरी करता हुआ आया है। सबके पास इसकी फुटेज है, सबके पास इसका फोटो है, हर जगह इसने चोरी की है। उसके बाद ही उधमपुर आया, अभी यहाँ से चोरी करके आगे फर्दर पता नहीं, हो सकता है इसने उधमपुर से नेक्स्ट किस सिटी में जाना हो वहाँ पे चोरी करने के लिए। है ये चोर है बहुत बड़ा प्रोफेशनल, वो इसने ऑलमोस्ट हर जगह चोरी की है सर, हर जगह।